जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल एमपी की बहु कविता में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे ही मैं स्कूल से घर आई, देखिए बारिश का मौसम है और बारिश बढ़िया जोरों से आ गई थी। तो बस जैसे ही बढ़िया बारिश का मौसम आया, बारिश आई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों की फरमाइश हो गई, आज तो हमें खाना है चाय और पकौड़े। तो फिर क्या था, बस मैं लग गई पकौड़े बनाने की तैयारी में। जो चीज़ घर पर अवेलेबल थी उसी से बना रही हूँ। तो फिर पकोड़े की फरमाइश है, तो पकोड़े बनाने के लिए चाहिए हमें कुछ सामान, जैसे कि गिलकी। हमारे इधर हम ऐसे ही बनाते हैं, ये पालक के पत्ते नहीं है, ये पत्तों को हम भजिया बेल के पत्ते बोलते हैं और इसी से हम भजिए बना लेते हैं जब घर में पालक और धनिया नहीं होती है। ये हम लगाते हैं इसका पौधा। तो देखिए चलिए मैं बताती हूँ ये कैसी बेल में लगता है। ये तो है हमारी गिलकी की बेला, जो मैंने बीज लगाए थे और मेरी बेला लग भी गई है। और देखिए इसमें कितनी बढ़िया सी गिलकी लगी है। तो बस यहीं से मैंने ताज़ी ताज़ी गिलकियाँ जो थी वो तोड़ी भजिए के पकौड़े बनाने के लिए बेसन के। ये देखिए ये लगी है, तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ और साथ ही और एक दो गिलकी और देख लेती हूँ ताकि पकौड़े बहुत अच्छे बने। हम अधिकतर जब भी भजिए बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो हम गिलकी डालते हैं। इसके साथ ही ये जो पत्ते हैं मैंने आपको अभी टूटे हुए दिखाए, मैंने इसी बेला में से तोड़े हैं और उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जब हमारे घर में पालक और धनिया नहीं होती है तो हम हमारे पकौड़ों में इस भजिया बेल का यूज़ करते हैं। तो चलिए इन पत्तों को तोड़ लिया है मैंने, अच्छे से वॉश भी कर लिया है और वॉश करके कर लिया है मैंने इन्हें कट। साथ ही गिलकी और ये पत्तों को कट करने के बाद मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है और उसे भी कट कर लिया है। साथ ही मैंने ली है मिर्ची, जिसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमारे अतिका पसंद करते हैं। तो अब ले लेते हैं हम बेसन। तो हम पहले बेसन को क्लीन कर लेंगे। यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ और इसे अच्छे से छान के और क्लीन कर लेते हैं। तो बस यहाँ ये बेसन मैंने ले लिया है और इसे छान के क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इसे एक दूसरे बॉल में ताकि मैं इसका अच्छा बढ़िया सा पेस्ट बना लूँ। तो ये देखिए इसमें कुछ बड़े बड़े से दाने रहते हैं, वो मैं निकाल देती हूँ, दाल के कभी दाने आ जाते हैं। तो ये मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ कुछ सूखे मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और जीरा के सीड्स डाल रही हूँ मैं। साथ ही अजवाइन डाल रही हूँ, इससे डाइजेस्ट अच्छे से होता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है, पर इसको हम थोड़ी सी क्रश करके डालेंगे। साथ ही सौंफ भी डाली है मैंने थोड़ी सी इसमें। और फिर देखिए ये क्या धनिया पाउडर डाल लेते हैं हम। पहले सूखे मसाले मिला रही हूँ, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर बाद में जो मिक्स करने के बाद जो मैंने गिलकी और जो ये पत्ते काट के रखे हैं ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और फिर जो थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी काट के रखी थी वो मिर्ची को भी इसी में डाल देंगे और जो प्याज मैंने कट करके रखा है उस प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर पहले कर लेते हैं मिक्स और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना पानी हमें लगेगा हम उसमें मिलाते जाएंगे और बढ़िया से एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा बढ़िया सा तेल गरम हो गया और फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें अपने पकोड़े। और ये देखिए तलाने के बाद कितने टेस्टी दिख रहे हैं, यमी दिख रहे हैं। और जब भजिया बना रही थी तो साथ ही में मैंने निकाल ली पूड़ी, बच्चों को पसंद है। अब भजिया और चाय की मांग थी तो बस यही मैंने बढ़िया सी मसाला चाय बनाने को रख दी है, जिसमें मैंने इलायची, तुलसी पत्ती डाल के बढ़िया से उकाल ली है और ये बन रही है हमारी टेस्टी मसाला चाय। तो बस तुलसी पत्ती डाल के, सर्दी का मौसम है तो टेस्ट और ही बढ़िया आ जाता है। तो ये देखिए ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है, मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं और यही मैंने पकोड़े में आलू काट के डाल दिए थे
तो आलू पकोड़े भी बना दिए थे। तो बढ़िया सा नाश्ता मेरा बारिश के मौसम का बहुत ही बढ़िया लगता है, बनके तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।